सबने जय जवाहर, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। आप सबनी जय, गोविंद गुरुनी जय, संत सुरमालनी जय। और संचालक महोदय जी बता दीजिए कि तलाज में पहले बार में शायद आज डूंगरपुर में कोणो कोणो छानी मारी जाए पहल कई एक एक डोंगरा ने एक एक वार्ड ने एक एक रोड खोड़ भी जाए पहल। आज इस तलाज की धरती माते लोकसभा चुनाव की तैयारी ने लेन આપણે સબ આને એકટ થયેલા આણામ પધારેલા છે ગાવા ગાવા થકી છે વડીલ માતા બહેને આપ સભી કો બહોત બહોત ધન્યવાદ। ઇતની ગરમી મે કામ ને દાડા મે આપ સબ પધારેલા ઇસ ચીજ સે યે સાબિત હોતા હૈ મતલબ આજ જો યે ભીડ હૈ આજ જો આપકે અંદર જો ઉત્સાહ હૈ ઉસસે યે સાબિત હોતા હૈ કે ડુંગરપુર વિધાનસભા સે आप लोग अधिक से अधिक बढ़त दिलाओगे। और जो पूर्व में जो पार्टियां हैं उन पार्टियों ने जो आज तक झूठे जो जुमले दिए थे आप लोगों को जो झूठी तसल्ली दी थी शायद उन चीजों से आप सब उब गए हो। अब लगभग आप सभी को वास्तविकता पता चल गया है और मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाह रहा हूं लगभग पूर्व वक्ताओं ने जो बताया है कि ये पार्टी लाने की जरूरत क्यों पड़ी। हमारे साथ संचालक महोदय भी बता रहे थे कि जो युवा वर्ग को अभी पढ़ने का समय था ना एम करवान समय तो युवा वर्ग को आज इस राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी में आने की क्या जरूरत पड़ी। इसके पीछे विशेष कारण है कि यहाँ के युवाओं ने देखा इस एरिया में जो विकास होना चाहिए था जो संवैधानिक प्रावधान है आज तक लागू नहीं हुए हैं, इस एरिया में जो शोषण हो रहा है, इस एरिया में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो आज का युवा वर्ग समझ चुका है, इसीलिए आज युवा वर्ग अधिक से अधिक भारतीय ट्राइबल पार्टी से जुड़ा हुआ है। ताना एक पाल्टी वाला कहीं युवा भटकी गया है हम कहीं हो गए युवा भटक गए हैं हम कहीं पर मन थे वो लगे अब तो युवाओं को समझ आ गई है और युवा सही दिशा में जा रहे हैं अब क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो हमारे पीछे पीछे आए हम कहें वैसे चले हमारी पार्टियों के झंडे डंडे लेके पकड़े चले वो ये चाहते हैं। और जो युवा मां नहीं करता है गलत काम उनको ये मतलब कहते हैं भटका हुआ युवा है यू कहते हैं उनको शर्म आनी चाहिए उन पार्टी वालों को और अब तो उनको लज्जित होना चाहिए और थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए कि यार हमने जितना लूटा इस 70-72 साल की आजादी के बाद जो लूटा 70-72 साल था ही किया था आजादी ने ये बार लगन से लूटचू ये आनंद शर्म आप भी से। तो आप सभी को मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो पार्टी बनाई है राजनीति करेंगे विधायक बनावेंगा सांसद बनावेंगा एम करेंगे बना जी ये पार्टी इसलिए बनाई है कि हमको लगा इस इलाके में आज तक जो ट्राइबल का जो फंड आता था आज तक धरातल पर लागू नहीं हुआ है वो उसका उपयोग नहीं हो पाया है। संविधान जो कहता है पांचवी अनुसूची जो कहती है वो आज तक इस एरिया में पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई है। इसलिए ये पार्टी बनाई है कि हमारे समाज को जो संवैधानिक प्रावधान है वो मिलने चाहिए हमारे समाज की जो संस्कृति है वो संस्कृति बचानी है क्योंकि हमको आरक्षण मिला है उस संस्कृति के हिसाब से हमको आरक्षण मिला है। हमारा समाज का आज इतिहास की बात करें इतिहास में कोई ठिकाना है अपने मतलब इतिहास की बात करें इस आदिवासी इलाके का इतिहास खत्म कर दिया उन लोगों ने। आज अपन सब जानते हैं डूंगरपुर का नामकरण राजा डूंगर बरंडा के नाम से हुआ है के नामो निशान राज्यू है जिन लोगों ने ऐसे ऐसे लाके डूंगरपुर में बिठा दिए जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है डूंगरपुर में ऐसे ऐसे लोगों के नाम से वहां पुतला बना भी दिया ना वहां नाम तक भी मूर्ति लगा दी थी हमारे राजा डूंगर बरंडा का कोई नामो निशान नहीं है। तो आप सभी को जब मैं हम 2014-15 में कॉलेज में पढ़ रहे थे उस समय हमने देखा कि हमारे जी कॉलेज है नाम तो भोगीलाल पंड्या है ने पिलाहोड़े कॉलेज है लड़कियों वाली इन्हें नाम है वीर कन्या कालीबाई। तो कालीबाई कौन थी
आज जो पार्क बना हुआ है उसका लिखा हुआ है नाना भाई। तो नाना भाई कौन था? जिस तरह आज किताबों में पढ़ाया जाता है कि डूंगरपुर का नामकरण राजा डूंगर सिंह चौहान के नाम से हुआ है बनावी, तो आने वाले समय में ये लोग भी काली भाई को पटेल बना देंगे, नाना भाई को पटेल बना देंगे। और मंत्र से कोचिंग सेंटर में बना रहे जी राजकुमार रावत इन बड़ा दो मंत्र। तो इस तरह हमारे इस शेड्यूल एरिया का जो इतिहास है, हमारे बिलों का इतिहास है, उन लोगों ने खत्म कर दिया है। तो ये पार्टी है जो बनाई है, इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे इस आदिवासी इलाके में, इस शेड्यूल एरिया में जो संवैधानिक प्रावधान है वो लागू होने चाहिए। हमारे समाज के साथ जो धोखा हो रहा है, हमारे समाज के साथ शोषण हुआ है, उसका विरोध कर रहे हैं। बाकी कोई राजनीति करवा नहीं। आज तक अगर ये जो मुद्दे हैं उन दो राष्ट्रीय पार्टियों ने उठाए होते तो हमको आने की जरूरत नहीं पड़ती। उन लोगों के मुद्दे क्या रहते हैं? कभी कोई समाज की बात की उन लोगों ने? कभी क्षेत्र के विकास की बात की उन लोगों ने? ये बार आवेगा कहेंगा, वो कहेंगा बीजेपी वाला आवेगा, अरे राष्ट्र खतरे में है, वो कहेंगा राष्ट्र खतरे में है, पाकिस्तान आक्रमण कर रहा है, मोदी जी ने दो लागू कर दिया, काला धन बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, डिजिटल इंडिया बना दिया, ने हमारे तो पाकिस्तान पे आक्रमण कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। अरे भाई हमारे समाज की स्थिति खराब है, हमारे यहाँ की बात करो ना, पहले यहाँ की बात नहीं करते। और उन्होंने पॉलिटिकल ये एजेंडा बनाया है, ये मुद्दा बनाया है जानबूझ के। और हमारे जी पहला चौकीदार जी हूं कहीं बतू, अरे मेरे लिए नहीं, हो कहीं मेरे लिए नहीं, हमारे जो शहीद जवान हुए उनके लिए वोट दे दो, हरम अब्यूज़ है। हमारे जो सीमा पे शहीद हुए जवान उनके नाम से वोट मांग रहे, वो लोग उनको शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। और आनंद कई चमचा है गांव पासा कह रही जाए कि मोदी जी ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। तो आप सभी को मैं कहना चाह रहा हूं कि इन पार्टियों के बहका में नहीं आना है, और अपनी जो मानसिकता है उस मानसिकता को बदलना है। आज तक मैंने यहाँ एनालिस किया, देखा कि आपने वाला मंत्र अटलीस्ट मानसिकता गाली मिली है, हो सोची हमारे इंद्रावास मलबूज हुए, बाथरूम मलबूज हुए, शौचालय मलबूज हुए, एयरपंप मलबूज हुए, हम कहीं अगलोस कहेंगे। और ये नेता भी इनकी बात करते हैं, रोजगार गारंटी नहीं बात करेंगे, इंद्रावास नहीं बात करेंगे, शौचालय नहीं बात करेंगे, पर कभी ये बात नहीं करते हैं कि हमारे यहाँ आरक्षण का पूरा पूरा जो संविधान में प्रावधान है वो लागू होना चाहिए। ये बात कभी की उन लोगों ने? और आपने नहीं कह चुका हरियाणा ने अपनी इस केजू। तो उस मानसिकता से ऊपर उठ के सोचना है। और अगर हमारे जो संविधान के अनुरूप जो आरक्षण का प्रावधान है वो लागू हो जाता है तो हमारे भाई एक गियर में नौकरी लगी जाएगा, तो इन्हें इंद्रावास की जरूरत नहीं पड़ेगा, इन्हें बाथरूम की जरूरत नहीं पड़ेगा। जिस सरकार ने तुम्हें खबर है 12,000 ने जी की वो बने बाथरूम कई ठिकाना है ने पूरा आले एपीएल आवाज बीपीएल आवाज थे 20x20 में बने ढका तो ही नहीं पूरा ढका है ढका है। मतलब अगर हमारा बच्चा एक परिवार में अगर पढ़ लिख के आरक्षण का इसको लाभ मिल गया और नौकरी लगेगा तो वह कई इंद्रावास बना भी देगा। हमको अस्थाई समाधान चाहिए। एक बार एक जना कह रही था हमारे लोग गाड़ो एक नेता है हो गए तो अरे बीटीपी वालों ने एक भी हेडपंप नहीं लगाया, तो भाई आनंद ने खबर एक बीटीपी हेडपंप लगाड़ा बोले नहीं आप जी, बीटीपी सिर्फ हेडपंप लगाड़ा बोले नहीं आप जी। हमारे विधानसभा ने हमने सर्वे करवाई तो वहां पर कम से कम 3,000 से 4,000 हड़पा में से है जिनमें पानी ही नहीं है, तो वो हड़पा लगा रहे हैं। हमको अस्थाई समाधान चाहिए। हमारे जो कटड़ा और माही डैम का जो हमारे आदिवासी लोगों की जो जमीन गई है डूबण में, आज वो 10 किलोमीटर दूर रह रहे हैं, उनको पानी का फायदा नहीं मिल रहा है। और गुजरात 500 किलोमीटर तक जाहिर जो पानी वहां से 500 किलोमीटर दूर गुजरात में जा रहा है, और यहाँ 10 किलोमीटर सिटी वाला हालत खराब है। हमको अस्थाई समाधान चाहिए। हमारी मुख्य लड़ाई वही है जल जंगल जमीन। आज एक बार एक कानून पारित करवाने कोशिश की थी किस ये जो वन विभाग से जो है वन विभाग अधिनियम 2006 के अनुसार आदिवासी जितने वन विभाग में रह रहे हैं उन सभी को इन जमीनों से बाहर निकालने का सोचा था। कम से कम 10 से 13 लाख आदिवासियों को जमीनों से बेदखल करने का सोचा था। मतलब एक परिवार में कम से कम 8 से 10 सदस्य रहते हैं तो 60 से 70 लाख आदिवासियों को जमीनों से बेदखल करने का कानून पारित किया। पर आपने थोड़ा बैसागी की अगली पासों ने रुकी मिली हुई। मतलब मेरा ये कहना है कि उन लोगों ने
पर आपड़े से बिना नाम है चारा गांव है सोचता में अमर हो पड़ जिए पलंद चा वन विभाग वालों की री चाहिए। पर आने वाले समय में ये भूमि अधिग्रहण बिल पास करेंगे और जितनी बिना नाम में जमीन है जितनी चारा गांव में जमीन है उन सभी जमीनों को हड़पने का काम करेंगे। तो अभी से अपन को सावधान हो जाना है और ऐसी पार्टी वालों को यहाँ घुसने भी नहीं देना है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस क्षेत्र में आज अपने एक नेता था पहले पेरा फेरी करें चार पांच साल लगन ठीक चा कई ने जीता बाद पहला गोद में जाए बह गया नहीं बह गया तुम्हें जाओगे तुम्हारे वैसे राजनीति करने के लिए उन्होंने मुद्दा बनाया और जीतने के बाद भूल गया। बाबड़े पैरा फेरी आसपास वाला गांव वाला परेशान है बार हमारा कौन बोले। तो ऐसे जो पार्टियां हैं ऐसे जो लीडर हैं उन लोगों से सावधान रहना है और आने वाले समय में इस क्षेत्र में और मैं तो यही कह रहा हूं और मेरे जो कार्यकाल में विशेष पर शिक्षा पे ही ज्यादा जोर रहेगा क्योंकि इस देश में सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है सबसे बड़ा हथियार कलम है। हम जिस दिन शिक्षित हो जाएंगे अच्छे जागरूक हो जाएंगे तो इस एरिया में हमारे समाज का विकास हो जाएगा। आज मामा स्कूलों की स्थिति है ऐसी स्थिति है जिन स्कूलों में जो दसवीं तक स्कूल है दो दो तीन तीन रूम है एक एक तीन तीन क्लास एक एक कमरे में चल रही है ये स्थिति है। और पहला हमारे टीएससी नो बजट आ गए प्रति वर्ष लेप्स हो जाता है पिछली बार 2000 करोड़ रुपया लेप्स हो गया हमारा आदिवासी।